दिल्ली एमसीडी चुनाव में 240 होमगार्ड मिर्जापुर हुए रवाना। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, जहां दिल्ली एमसीडी चुनाव हेतु 240 होमगार्ड्स जवान रोडवेज के 6 बसों से मय कैंडिडेट इंचार्ज के साथ 29 नवंबर को दिल्ली के लिए हुए रवाना। इनकी ड्यूटी 29 नवंबर से 6 दिसंबर तक रहेगी। प्रत्येक होमगार्ड को 1458 रुपये मिलेंगे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मिर्जापुर से शिवचरण बिंद की रिपोर्ट। किसी को कोई अब तक पैसा का दिक्कत? पैसा कम मिल रहा है आप लोगों को? 3 तारीख को पैसा मिल जा रहा है? पहले ऐसा होता था? तो जब नहीं होता था तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ड्यूटी भी आप लोग उसी तरह से मुस्तैदी के साथ करिए। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक, चलिए। और जिस जवान को अगर कोई दिक्कत हो तो पहले बता दे, हम उसको अलग से कर देंगे नाम। हमारे पास संख्या बहुत है। जिस भी लड़कों का अगर कितने लोग स्वेच्छा से जाना चाह रहे हैं, हाथ उठाएं। सभी लोग स्वेच्छा से जाना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत? मैं बीके सिंह, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स मिर्जापुर। इस जनपद से दिल्ली एमसीडी चुनाव में 240 होमगार्ड्स विभिन्न थानों से जा रहे हैं और इनके जाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से, रोडवेज से 6 बसें मिली हुई हैं और 6 बसें एकदम दुरुस्त बसें मिली हुई है। इसके अलावा हमारे कंटिजेंट जा रहे हैं और सभी जवान बॉडी प्रोटेक्टर, बेत, टॉर्च और अपने जाड़े के अनुसार, ऋतु के अनुसार ओढ़ने बिछौने के साधन स्वयं लेकर के जा रहे हैं। 52 सीटर बसों में सिर्फ 40-40 होमगार्ड ही जाएंगे और बहुत बढ़िया सरकार ने व्यवस्था किया है और जिसकी जितनी भी तारीफ की जा कम है। और यहां से होमगार्ड्स जवानों के लिए 828 रुपया पर डे मिलता है, 30 रुपया उनको अंतर जनपदीय संचरण के लिए और 600 रुपया खाने के लिए, अर्थात 828 प्लस 30 और प्लस 600, कुल 1458 रुपया मिल रहा है। और ये ड्यूटी है 8 दिन के लिए, 29 तारीख से लेकर के 6 दिसंबर तक। सर, इसमें कई आपके होमगार्ड जो सिपाही हैं, फीवर है, तो उन लोगों के लिए क्या है? मेरे सारे होमगार्ड्स जो प्रशासनिक ड्यूटी, कमर्शियल ड्यूटी तथा 112 डायल में लगे हुए थे, उनको छोड़ करके शेष सारे जवानों को बुलाया था, क्योंकि हम लोग नहीं पता होता है कि किस जवान की क्या समस्या होती है, किसके घर में शादी है, कोई कौन बीमार है या किसके घर में कोई डेंगू हुआ है, तो हम लोग उसके अतिरिक्त सारे लोगों को कॉल कर लिए। इसमें जिन लोगों ने समस्या बताई, किसी ने बीमारी का बताया, किसी को चोट लगी है, किसी के घर में डेंगू है, किसी को ऑपरेशन हो रहा है या किसी के घर में ही शादी है, तो उन सारे लोगों की हमने प्रार्थना पत्र लेकर उन्हें छोड़ दिया और आज ही जाकर के वो आमद करा लेंगे, उनकी ड्यूटी ब्रेक नहीं होगी।